भारतीय फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन के पहले ही घंटे में इस कदर झटके दिए कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी छटपटाते नजर आए। और यही कारण रहा कि एक बार फिर भारत के हाथ से निकलता मुकाबला वापस भारत के हाथों में आता नजर आया है। तो कौन था वो गेंद का हीरो जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को अपने लाजवाब गेंदबाजी से इतने बड़े मुकाबले में वापस कमबैक करवाने में मदद की, बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहले दिन के जबरदस्त धुनाई के बाद जैसे ही दूसरे दिन की खेल शुरू हुई वैसे ही एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए ये दर्शा दिया कि क्यों भारतीय टीम टेस्ट में इतनी मजबूत टीम मानी जाती है। जी हां, आपको बता दें कल के जबरदस्त धुनाई के बाद कम से कम भारतीय गेंदबाजों के मन में ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि आज के मुकाबले में हमें पहले कुछ घंटे में ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 2 से 3 विकेट चटकाने हैं ताकि इस मुकाबले में भारत को कमबैक करने का मौका मिल सके। और इसी प्लान के साथ मैदान पर आए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी से लेकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। जहां कल के मुकाबले में जो भी गलतियां भारतीय गेंदबाजों ने की थी वो आज दूसरे दिन दिखते नजर नहीं आई, खासकर हेड के साथ। आपको बता दें जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी वैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने हेड के दुखती नस पर हाथ रखा। और यही कारण था कि पहले दिन लाजवाब दिख रहे ट्रेविस हेड दूसरे दिन काफी संघर्ष करते नजर आए। आपको बता दें कि ट्रेविस हेड के बाउंसर के खिलाफ कमजोरी को परखते हुए भारतीय गेंदबाजों ने लगातार हेड को बाउंसर डालते रहे और इसी का नतीजा रहा कि मोहम्मद सिराज के एक बाउंसर को खेलते समय हेड अपना कैच विकेट के पीछे केएस भरत के हाथों में थमाकर वापस पवेलियन चले गए। इसके बाद क्या था, जैसे ही ये विकेट मिला मोहम्मद सिराज को वैसे ही एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज पूरे हरकत में आ गए थे और इसी का नतीजा रहा कि नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर आए कैमरन ग्रीन भी इस उत्साह का प्रेशर झेलते नजर आए। हालांकि ग्रीन ने अपने पहले ही गेंद पर चौका जरूर चढ़ा था लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद शमी ने लगातार अच्छी लाइन से गेंदबाजी डालते हुए ग्रीन को भी गिल के हाथों स्लिप में कैच करवाकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद क्या था, यहाँ से फिर भारतीय गेंदबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लंच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के तो सेट बल्लेबाज और एक अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन वापस का रास्ता दिखाया। तो अगर क्रिस पर सेट हो जाता तो भारत को खासा परेशानी में डाल सकते थे ये। जी हाँ, आपको बता दें यही कारण था कि लंच से पहले जहाँ मोहम्मद सिराज और शमी ने शुरू में 2 विकेट लेकर भारत को दूसरे दिन के खेल में वापस लाया तो वहीं दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर ने भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाज स्मिथ को आउट कर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद भारतीय फैंस के मन में ये उम्मीद जगनी शुरू हो गई थी कि इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतने में कामयाब हो सकती है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या लंच के बाद भारतीय टीम अपनी इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय टीम ने कल भी लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लंच के बाद मैदान पर आए वैसे ही भारतीय गेंदबाजों की कंसिस्टेंसी गायब हो गई और इसका फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पहले ही दिन 300 से ज्यादा रन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को वापस मुकाबले में आने देगी? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।